हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे अमीटर। क्या पढ़ेंगे? अमीटर। तो अमीटर को समझने के लिए थोड़ा गैल्वेनोमीटर समझना पड़ेगा। ठीक, ऐसे गैल्वेनोमीटर को हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में। किसमें? मैग्नेटिज्म में। लेकिन थोड़ा समझ लो कि गैल्वेनोमीटर होता क्या है। लिखेंगे नहीं, सिर्फ समझेंगे। जिसकी मान लो कि तुम किसी मिस्त्री के पास गए, वर्कशॉप में नहीं गया। अगर जाइएगा, जैसे मान लो तुम्हारा रेडियो खराब है। क्या है? रेडियो खराब है। पहले समझो क्या होता है। रेडियो खराब है, या हो सकता है कि आपका ट्यूब सही नहीं जल रहा है, या कुछ भी इलेक्ट्रिकल चीज या इलेक्ट्रॉनिक का चीज। तो उसमें खराब है तो पता कैसे चलेगा? आदमी तो नहीं ना कि डॉक्टर के पास गया, बोला क्या कि डॉक्टर साहब पेट झड़ रहा है, माथा खराब है, विटामिन डी की कमी। आदमी तो बताएगा नहीं, आदमी तो बताएगा लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या बताएगा। तो जो इंजीनियर होते हैं या टेक्नीशियन होते हैं वो क्या करते हैं, ये निकालते हैं मीटर या गैल्वेनोमीटर या वोल्ट मीटर, अमीटर, जैसा उनका जरूरत होता है। और निकालते हैं और सटा सटा के देखते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ से ई रेसिस्टेंस है, तो अपना निकालेंगे गैल्वेनोमीटर या वोल्ट मीटर, जो भी निकाल रहा हूँ ऐसे सटाएंगे। सब समझा, स्टेप बाई स्टेप समझा देते हैं। यहाँ सटा दिए और यहाँ सटा दिए, तो देखिएगा कि यहाँ पर रहता है इनका, ये घड़ी की तरह, देखा होगा घड़ी की तरह। इसमें लिखा था 1 2 3 4 अपना सब दिया लिखा रहता है, इसमें था इंडिकेटर। तो ये थीटा जो बनता है ना, थीटा ध्यान देना, ये घड़ी की तरह आता है, घड़ी की तरह आता है ना, तो उसमें इंडिकेटर होता है पॉइंटर, वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो डिफ्लेक्ट करने का मतलब है कि यहाँ और यहाँ के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि ये मेरा रेसिस्टेंस काम कर रहा है, रेसिस्टेंस काम कर रहा है। इस तरह से मिक्स सर्किट होता है ना, मिक्स सर्किट होता है। अब हम तो कोई मिस्त्री है नहीं, मिक्स सर्किट है, सब इंसुलेटेड होता है। क्या होता है? इंसुलेटेड। ठीक, तो अगर यहां और यहां सटाएगा, अगर डिफ्लेक्ट हो रहा है का मतलब यहां और यहां के बीच सही है। यहां यहां सटाएगा डिफ्लेक्ट हो रहा है मतलब सही है, यहां यहां सटाएगा डिफ्लेक्ट नहीं हुआ, अच्छा यही गड़बड़ है, यही गड़बड़ है। समझ में आ गया? तो जैसे कि आदमी का तबीयत खराब होगा तो डॉक्टर के पास जाएगा, उसी तरह से किसी इंस्ट्रूमेंट का तबीयत खराब होगा तो उसको किसी मैकेनिक के पास ले जाएगा। तो डॉक्टर जैसे पूछताछ करता है आदमी से, उस तरह से टेक्नीशियन पूछेगा अपना आला लगा लगा करके कि कहाँ गड़बड़ है, कहाँ सही है, कहाँ गड़बड़ है, कहाँ सही है। तो रियल में वो आला उसका वो नहीं होता है, उसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। क्या बोलते हैं? गैल्वेनोमीटर। टर्म समझ में आ गया? थोड़ा सा पढ़ते हैं बस एक लाइन में। तो गैल्वेनोमीटर जो होता है वो मेजरमेंट करने का इंस्ट्रूमेंट होता है, जो सिर्फ डिफ्लेक्शन बताता है। क्या बताता है? डिफ्लेक्शन। फिर से, गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो सिर्फ बताता है डिफ्लेक्शन, बात खत्म। अब तुम उसको जैसे यूज कर लो, करंट के मेजरमेंट करने में यूज करेगा तो उसी गैल्वेनोमीटर को बोलेंगे अमीटर। उसी गैल्वेनोमीटर को पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में यूज करेगा मेजरमेंट करने में तो उसको बोलेंगे वोल्ट मीटर। रहेगा गैल्वेनोमीटर ही, डिफ्लेक्शन किसमें होगा? गैल्वेनोमीटर में। डिफ्लेक्शन किसको किसमें होगा? गैल्वेनोमीटर में। चाहे तुम करंट मापो या पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट करो। टर्म समझ में आया? फिर से, पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट करेगा फिर भी डिफ्लेक्शन किसमें होगा? गैल्वेनोमीटर में। करंट मेजर करेगा फिर भी डिफ्लेक्शन किसमें होगा? गैल्वेनोमीटर में। तो अमीटर और वोल्टमीटर में मेन रोल है किसका? गैल्वेनोमीटर का। ठीक, तो गैल्वेनोमीटर में कुछ कुछ करके अमीटर बनाते हैं और गैल्वेनोमीटर में कुछ कुछ करके मानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टमीटर। तब समझ में आया कि नहीं आया? नहीं तो थोड़ा सा लिखो गैल्वेनोमीटर। टॉपिक बना अमीटर है, टॉपिक क्या है? अमीटर। क्या पढ़ेंगे? अमीटर। लेकिन थोड़ा सा लिखो गैल्वेनोमीटर, लिखो गैल्वेनोमीटर। लिखो इट इज
लिखो, बोलते जाते हैं, इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करेंट एज वेल एज पोटेंशियल डिफरेंस, फुल स्टॉप। इफ इट मेजर्स इलेक्ट्रिक करेंट देन इट इज सेड टू बी एमीटर, व्हाइल इट इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी रेसिस्टर देन इट इज सेड टू बी वोल्ट मीटर। ठीक है, समझ में आ गया, सेड टू बी वोल्ट मीटर। अब देखो इसका काम क्या है, डिफ्लेक्शन बताना। क्या बोलना है? डिफ्लेक्शन। ठीक, देखो प्रिंसिपल, देखो प्रिंसिपल, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक टॉर्क, मैग्नेटिक टॉर्क। ठीक, मैटेरियल पढ़ाएंगे सब लिखा देंगे अच्छे से, किस पर काम करता है मैग्नेटिक टॉर्क, टॉर्क। ओके, देखो दो लाइन बस, देखो व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू इट, पास्ड थ्रू इट द इंडिकेटर डिफ्लेक्स, द इंडिकेटर डिफ्लेक्स, फुल स्टॉप। The angle of deflection of indicator, the angle of deflection of indicator is directly proportional to, is directly proportional to the electric current passed through it. ठीक, अब समझो, कहने का मतलब हुआ यही अपना गैल्वेनोमीटर है। क्या है? गैल्वेनोमीटर। क्या है? गैल्वेनोमीटर। इसमें इंडिकेटर है, इसमें इंडिकेटर है, ये थीटा है। मान लो करंट आई है, करंट आई है, तो जितना आई जाएगा उसी के हिसाब से डिफ्लेक्शन होगा। ठीक, अब लिखना बंद करो, समझो। कह देगा कि गैल्वेनोमीटर में 4 एम्पियर करंट पास हो सकता है। इसका मतलब हुआ कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ध्यान देना, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन 4 एम्पियर से अधिक दीजिएगा तो अधिक डिफ्लेक्ट नहीं होगा, यानी कि 4 एम्पियर पर डिफ्लेक्शन बंद हो जाएगा। समझ में आ गया? फिर समझो, मान लो कोई मार्केट से इसके लिए, अरे मार्केट से लिया है गैल्वेनोमीटर, उसमें लिखा हुआ है 6 एम्पियर। क्या लिखा हुआ है? 6 एम्पियर। मतलब क्या हुआ कि यानी कि उसमें मैक्सिमम कैपेसिटी है रीड करने का 6 एम्पियर। अगर मान लो कि वायर में 3 एम्पियर करंट है तो 3 के साथ डिफ्लेक्शन होगा, 4 एम्पियर है तो 4 के हिसाब डिफ्लेक्शन होगा, 6 है तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा, 8 देंगे तो क्या होगा? या तो एमीटर टूट जाएगा झटका से, और नहीं तो इंडिकेटर 6 हिस्सों करेगा, 800 नहीं करेगा, क्योंकि 6 जो है उसका मैक्सिमम लिमिट है। अगर 10 एम्पीयर का आपका करंट पास कर दिए तो आपको उसमें 6 हिस्सों करेगा। हमारी बात समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया, फिर से चलो खत्म, चलो मिटा दो। फिर से जैसे आप मार्केट में गए, मार्केट से लाए एम्पियर, सॉरी गैल्वेनोमीटर, उस पर लिखा हुआ है 5 एम्पियर। क्या लिखा हुआ है? 5 एम्पियर। बोलो क्या लिखा हुआ है? 5 एम्पियर, 5 एम्पियर, 5 एम्पियर लिखा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ
कि उसमें 5 एम्पियर से ज्यादा मेजरमेंट करने की कैपेसिटी नहीं है। किसी इलेक्ट्रिक करंट पे तुम सॉरी सर्किट जो दिया उसमें करंट 2 एम्पियर है, तो वह 2 के हिसाब से डिटेक्ट होगा। 3 एम्पियर करंट है तो 3 के हिसाब से डिटेक्ट होगा। लिखा हुआ कितना था 5, 5 से नीचे को अच्छे से मेजर कर देगा, 5 तक को कर देगा, लेकिन 6 आ जाएगा तो या तो गैल्वेनोमीटर का जो इंडिकेटर है झटका से टूट जाएगा, अब नहीं तो वह 5 ही शो करेगा। अगर 10 एम्पियर भी करंट है फिर 5 शो करेगा, 20 एम्पियर है 5 शो करेगा, यानी कि मैक्सिमम लिमिट जो है उससे पहले ही हम लोग पढ़ाई करते हैं, उससे अधिक पढ़ाई नहीं करते हैं। अब समझ में आ गया, बोलना आ गया। चलो तो इसमें जो इंडिकेटर है जब करंट पास करेंगे तो डिफ्लेक्ट होगा, तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, जितना उसमें जाएगा, जितना उसमें जाएगा। बात समझ में आ गया? ठीक। अब ध्यान दो, मान लो कि आरसी रेसिस्टेंस ऑफ क्वाइल ऑफ गैल्वेनोमीटर है, मान लो, और इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम आईजी मान लें। क्या मान लें? आईजी, यानी कि आईजी का मतलब हुआ जो करंट इसमें जाएगा क्वाइल में जाएगा। एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, तुम करंट को मापो या वोल्ट को नापो, मेजरमेंट गैल्वेनोमीटर में ही आता है डिफ्लेक्शन के हिसाब से। किस हिसाब से? डिफ्लेक्शन के हिसाब से। टर्म समझ में आएगा? ठीक। अब लिखो अमीटर, गैल्वेनोमीटर हम लोग आगे पढ़ेंगे, मैग्नेटिक टॉर्क बताना है, वोल्टेज सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी सब पढ़ना है, तो यहां पर हल्का टॉपिक था बता दिया। आगे लिखो अमीटर, लिखो अमीटर, एक लिख लो इसके बारे में, इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज used to measure electric current, used to measure electric current, या एक electrical device होता है जो electric current के measurement में use होता है। बात ना, अगला पॉइंट लिख दो, ammeter is always connected in series, ammeter is always connected in series in the circuit in which we have to read electric current, जिसमें electric current का measurement करना है उस circuit में ammeter series में जोड़ा जाता है। समझ में आ गया? इसे मान लो यह आपका अमीटर है, समझो यह अमीटर है, ठीक। हमको यहां पर करंट मेजरमेंट करना है, इसमें कितना करंट है, तो क्या करेंगे, यहां से लेकर यहां तक कहीं एक लगा देगा अमीटर, ओके, तो इसमें जो भी करंट जाएगा इसमें मेजरमेंट हो जाएगा, इसमें जो भी करंट जाएगा उसमें मेजरमेंट हो जाएगा। जैसे मान लो कि मिक्स सर्किट है, R1 है, R2 है, R3 है, कुछ R है, ठीक है, जो भी है, ये R1 हो गया, ये R2, R3, R4, R5, चलो R6, चलो एक ही वाली, हमको बताना है इसमें कितना करंट होगा, कोई बात नहीं, इसमें अमीटर लगा दो, तो इसमें जो करंट जाएगा उसका मेजरमेंट कर देगा। जिस सर्किट में आपका करंट मेजरमेंट करना है उस सर्किट के सीरीज में लगा दीजिए अमीटर, तो जो भी इसमें करंट होगा वह यह मेजर कर देगा। बात खत्म हो गया? चलो, तो अमीटर को सीरीज की पार लगा, सीरीज कोई दिक्कत नहीं। तो
आमीटर को सीरीज जोड़ते हैं सर्किट के, आमीटर को सर्किट के सीरीज जोड़ते हैं जिसमें करंट मापना है। आमीटर बनेगा कैसे, आमीटर बनेगा कैसे, सोचो कि यह अपना रेसिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का, ध्यान देना लिखना बंद, यह आपका गैल्वेनोमीटर है आरसी, आरसी कहो या आरजी कहो या जी कहो जो कहना कहो हम आरसी बोलते हैं। इसमें करंट आपका आईजी है, आईजी का मतलब अगर लिखा हुआ है तो मैक्सिमम होता है, क्या है मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक। तो सच्चाई बात है, ध्यान दो, सच्चाई बात है कि यह रेसिस्टेंस बाहर का है, ठीक, थोड़ा ध्यान देना लिखना बंद कर दो, ध्यान देना लिखना बंद कर दो। जैसे मान लो कि दो एम्पियर सॉरी दो ओम का रेसिस्टेंस है, दो ओम का रेसिस्टेंस है, ध्यान देना कितने ओम का है, दो ओम का है, कितने ओम का है, दो ओम का है। इसमें एक बैटरी लगा दिए मान लो कि तीन वोल्ट, कितना वोल्ट, तीन वोल्ट, करंट आई हो गया, आई कितना हो गया, वी बाई आर, यानी कि 1.5 एम्पियर, इसमें करंट कितना हुआ 1.5 एम्पियर, कितना हुआ करंट 1.5 एम्पियर, कितना हुआ करंट 1.5 एम्पियर, ठीक है, ध्यान देना। अब तुम क्या करो कि यह आपका 2 ओम है, इसमें लगा दो आरसी, आरसी का मतलब हुआ क्या गैल्वेनोमीटर, अभी एमीटर बना नहीं है, फिर से गैल्वेनोमीटर काम क्या है, मेजरमेंट करना, बोलो क्या है, मेजरमेंट करना, क्या है, मेजरमेंट करना, एमीटर हो या वोल्ट मीटर हो या कोई मीटर हो, मेजरमेंट हमेशा गैल्वेनोमीटर ही करता है, याद हो गया, चलो। तो यह 2 ओम का रेसिस्टेंस था, इसमें 3 वोल्ट से जोड़ दिए, करंट आया 1.5 एम्पियर, सही चल रहा है। अब एक लगा दो गैल्वेनोमीटर, यहां पर बैटरी है, ठीक, 3 वोल्ट का, अब कितना करंट होगा, करंट होगा 3/2 + RC, अब देखो समझो, सोचो कि इसमें करंट कितना होना चाहिए था, 1.5 एम्पियर, कितना होना चाहिए था 1.5 एम्पियर, कितना होना चाहिए था 1.5 एम्पियर, ठीक, क्या लगा दिए गैल्वेनोमीटर, क्या लगा दिए गैल्वेनोमीटर, क्या लगा दिए गैल्वेनोमीटर, ठीक। तो अब जो करंट होगा वह कितना होगा 3/2 + RC, ये क्या बात हुआ, तो मेजरमेंट सही होगा, मेजरमेंट तो घट गया ना, मेजरमेंट क्या हो गया, घट गया, क्या मतलब हुआ, हम दिए थे करंट नापने के लिए, आई करंट गलत इंडिकेट कर रहा, ठीक, समझ में आ गया। तो देखो बहुत सारा लॉजिक होता है यहां पर, ठीक, सबका अपना लॉजिक है, गलत नहीं, मेरा भी एक लॉजिक है, क्या नहीं, और हमेशा कमीशन पूछता है यहां पर, इस जगह एकदम लगातार पूछता है, एकदम गिना दिया है, खासकर मेडिकल सब, ठीक ना, इंजीनियरिंग के मेंस में पूछता है, क्या पूछता है बताते हैं, जब हम गैल्वेनोमीटर जोड़े तो मेरा करंट घट गया, तो मेजरमेंट गलत आया, सही है, गलत आएगा, बार बार बोला, ध्यान देना, मेजरमेंट गलत आएगा कि सही आएगा, गलत आएगा, गलत आएगा, सही आएगा, गलत आएगा, तो क्या हम गलती मापेंगे, तो पूरा घरे उड़ जाएगा, आमीटर कुछ और शो करेगा, सॉरी गैल्वेनोमीटर, करंट कुछ और रहेगा, समझ में आएगा ना, तो क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, ये रेसिस्टेंस के वैल्यू को कम करते हैं, रेसिस्टेंस के वैल्यू को कम करते हैं, कैसे करेंगे, तो एक मिनट, तो रेसिस्टेंस के वैल्यू क्या कैसे कम करेंगे, करंट इसमें आईजी ही होगा, तय है, कैसे कम करेंगे, इसके पैरेलल एक छोटा रेसिस्टेंस लगा देते हैं, इसके पैरेलल छोटा रेसिस्टेंस लगाते हैं जिसको बोलते हैं संट, क्या बोलते हैं संट, इसका बहुत सारा लॉजिक क्यों जोड़ते हैं, तो पहला आंसर मिल गया, इसका आर इक्विवेलेंट निकाल देगा, आर इक्विवेलेंट, तो आरसी आर बाई आरसी प्लस आर,
को दिक्कत तैयार करना है कि ये जो इक्विवेलेंट होगा आर से बहुत बहुत कम होगा, ध्यान देना, आर इक्विवेलेंट जो होगा आर सी से बहुत बहुत कम होगा, ठीक, कम होगा। तो जैसे इसको हम जोड़ देंगे तो ध्यान देना, अब जो करंट होगा, ध्यान दो, ये जोड़ने के बाद, ये जोड़ने के बाद अब जो करंट होगा वो कितना होगा, ध्यान दो, बहुत अच्छा से एग्जाम्पल दे रहे हैं, हो सकता है कि नहीं समझ में आए, दो बार तीन बार रिपीट करना, पीछे करके पढ़ना क्या बोल रहे हैं। तीन अब लगा दिए आर इक्विवेलेंट, अब करंट कितना होगा, थ्री बाई टू प्लस आर इक्विवेलेंट, ये ना हुआ। अब सोचो पहले कितना था, 1.5, जब गैल्वेनोमीटर लगा दिए तो इतना प्लस इतना, 3/2 प्लस आरसी, कुछ कुछ करने के बाद यानी संट लगाने के बाद करंट कितना हो गया, I2। अब ध्यान दो कि ये बहुत कम होता है, ये बहुत कम होता है, इन केस ऑफ आइडियल होता ही नहीं है, ये इतना कम होता है, इतना कम होता है ताकि I2 जो है लगभग I के बराबर होता है, जानना, R इक्विवेलेंट यानी कि यह इतना न कम होता है, इतना न कम होता है, इतना न कम होता है कि यह I2 लगभग किस बराबर होगा, I, ठीक। तो पहली बात है, इसको लिख लो अपने भाषा में जो लिखना हो लिख लो, लेकिन हिंदी में, अंग्रेजी में, फारसी में जो लिखना हो लिखो, लेकिन हम जो बोले उसको लिख लो, लिख लिए, चलो अब आते हैं सिलेबस पर, समझा रहे थे ना। देखो तो पहला ऑब्जेक्टिव बनेगा कि वाई संट इज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक। तो क्वेश्चन ये लो, वाई संट इज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द रेसिस्टेंस ऑफ कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर, क्यों जोड़ते हैं, जोड़ने की जरूरत क्या है। तो आंसर हो जाएगा, ये तो क्वेश्चन है, पहली बात कि इस आरसी के वैल्यू कम करने के लिए ताकि मेजरमेंट सही हो, मेजरमेंट सही हो, तो पहला टू इंक्रीज, इस पर एक मत ध्यान देना, इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के मेजरमेंट का जो एक्यूरेसी होगा उसको बढ़ाने के लिए, या टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ आरसी। बातें क्यों हुआ, जब आरसी कम हो जाएगा, आरसी कम हो जाएगा तो स्वाभाविक करंट ज्यादा हो जाएगा, करंट ज्यादा हो जाएगा, द वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, ये बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, एकदम मतलब क्या मिली में लगभग नहीं है, समझ में आ गया, बहुत कम स्मॉल रेसिस्टेंस ब्रैकेट में इट इज सेड टू बी व्हाट, शंट, संट कनेक्टेड इन पैरेलल,
across the resistance of coil of galvanometer. ठीक, लियो टॉपिक लिख लिया। चलो अब सन को जोड़ दिए। क्यों जोड़े? तो करंट के मेजरमेंट के लिए, ताकि वो अच्छा से मेजर करे। अगर नहीं जोड़ते तो मेजरमेंट खराब आता, अच्छा मेजरमेंट नहीं आता। जो मेजरमेंट आता वो एक्चुअल से घट जाता, अब घटता नहीं बहुत घट जाता, तो मेजरमेंट सही नहीं होता। तो जब मेजरमेंट सही नहीं होगा तो कोई भी इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंस होगा, मतलब क्या कहते हैं, समझ गए, मोटर हो गया, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, बल्ब हो गया, उसको सही से कनेक्ट नहीं कर पाते। मेजरमेंट होना अच्छा, अच्छी बात है, चलो कोई बात नहीं। अब देखो क्या होता है। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा ध्यान देना सर्किट है, सर्किट ठीक, यह तुम्हारा आरसी है। आरसी का मतलब क्या हुआ? गैल्वेनोमीटर। इसके बगल में हमने शंट जोड़ दिए। क्या जोड़ दिए? शंट। इसमें आर बात हो जोड़ दिए, इसमें करंट आई है और इसमें है आई जी। तुम सोचता होगा कि ये गैल्वेनोमीटर, ध्यान दो, ये अपना क्या है बोलो? गैल्वेनोमीटर। ये क्या है? शंट। ध्यान देना, इस सब मिला के बोलते हैं एमीटर। क्या बोलते हैं? एमीटर। यानी कि ये रेसिस्टेंस है, करंट आई है, या एमीटर दे दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों जो है इस एमीटर के अंदर की बात है, अंदर की बात है। ठीक, अब समझो, एमीटर जो दोनों मिला के कहते हैं, स्पेशली क्या हो गया? गैल्वेनोमीटर। क्या हुआ? गैल्वेनोमीटर। यह हो गया सन। दोनों मिला क्या कहेंगे? एमीटर। दोनों मिला क्या कहेंगे? एमीटर। दोनों मिला के क्या कहेंगे? एमीटर। सही चल रहा है? चलो, हाँ, हम जिस बात पर थे उस पर। आपके मन में सवाल आता होगा कि डिफ्लेक्शन होता है गैल्वेनोमीटर, तो मेजरमेंट का तो आईजी करेगा ना। डिफ्लेक्शन किसमें हुआ बोलो? गैल्वेनोमीटर में। किसमें हुआ? गैल्वेनोमीटर में। तो मेजरमेंट तो आईजी का करेगा ना, लेकिन मेजरमेंट करना किसका है? आई का। अजा कौन करेगा? आई। देखो क्या होता है, या ए मान लो, बी मान लो, मान ली ठीक, और यह अगर आईजी है, यह कितना हो गया? आई माइनस आईजी। सही चल रहा है? सही चल रहा है। अच्छा, यह इसके पैरेलल है, यह इसके पैरेलल है, यह इसके पैरेलल है। शंट हमेशा गैल्वेनोमीटर के क्वाइल के पैरेलल होता है। ठीक, अच्छा, अब ध्यान दो, तो पैरेलल में क्या होता है कि वोल्टेज तो बराबर होता है ना, वीएमएस बीबी, ऊपर के लिए आईजी इंटू आरसी, और नीचे के लिए क्या होगा? आई माइनस आईजी इंटू स्मॉल आर। कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक चल रहा है? अच्छा, यानी कि आईजी RC is equal to IR minus IGR। तुम इसको इधर ले आओ, तो IG RC plus IGR IR। अरे बोलना, अच्छा, यानी कि IG कॉमन ले देंगे तो RC plus R IR। तो IG इज इक्वल टू कितना होगा? IR by RC plus R। पर समझो कि समझ में आ गया है, एक बार ध्यान दो, IG RC ऊपर वाला, I minus IG, ठीक है? ठीक है, इधर ले आ, कितना? ठीक, उबना मत, इस पर टाइम थोड़ा लगता है। अच्छा, यहां सही है, इसको लिखो चाहे लिखो, देखो अभी पढ़े हैं कि जितना इसमें
करंट जाएगा उसी के हिसाब से डिफ्लेक्शन होगा, जितना इसमें करंट जाएगा उसी के हिसाब से डिफ्लेक्शन होगा, ठीक, जितना इसमें करंट जाएगा उसके हिसाब से डिफ्लेक्शन होगा, यानी कि थीटा जो है वी है समानुपाती आई थी, यानी कि थीटा जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई जी, पर अभी क्या पढ़ा है आई जी प्रोपोर्शनल टू आई, बट आई जी प्रोपोर्शनल टू आई सो थीटा प्रोपोर्शनल टू आई, समझ में आ गया। फिर से इसमें जो एंगल होगा इस आई जी के प्रोपोर्शनल होगा और आई जी आई के प्रोपोर्शनल होगा, इनडायरेक्ट में थीटा प्रोपोर्शनल टू आई, जो करंट जाता है वो लिखा था थोड़े है, करंट के हिसाब से एंगल में डिफ्लेक्शन होगा होता है और एंगल में डिफ्लेक्शन के आधार पर करंट का हम लोग वैल्यू लिख देता है, ठीक, एक्सपेरिमेंट चीज है, एक एंगल दो एंगल, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो हुआ कि करंट को मेजरमेंट कैसे करता है, ठीक, डिफ्लेक्शन किसमें हुआ गैल्वेनोमीटर में, किसमें हुआ गैल्वेनोमीटर में, किसमें हुआ गैल्वेनोमीटर में, और गैल्वेनोमीटर में जो थीटा है वह किसके प्रोपोर्शन में है आई जी के, और संयोग से आई जी किसके प्रोपोर्शन में है आई के, तो कह सकते हैं कि जो मेजरमेंट होता है वो आई का होता है, सही बात, लिखो, लिख लिया, फिर लिखो कैलकुलेशन ऑफ संट, कैलकुलेशन ऑफ संट, कैलकुलेशन ऑफ संट, ठीक, संट कितना जोड़ेंगे, संट कितना जोड़ेंगे, देखो सब वही है, इधर लिखे गई, क्योंकि R और RC आपस में क्या होता है पैरेलल होता है, सिंस RC एंड R आर कनेक्टेड इन पैरेलल, कंफ्यूज मत होना, एमीटर को सीरीज जोड़ते हैं, एमीटर को सीरीज में, लेकिन एमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के पैरेलल जोड़ते हैं संट, ठीक, तो दोनों बराबर होगा, सब ठीक ही चल रहा है ना, आपको स्मॉलर चाहिए, क्या चाहिए स्मॉलर, तो यहीं से निकाल लेते हैं, यहीं से निकाल लेते हैं, ठीक, तो स्मॉल आर कितना हो जाएगा आई माइनस आई जी, चौक खराब दे दिया है, आई जी आर सी बाई आई माइनस आई जी, कोई दिक्कत, या यू कहो कि आर सी बाई बुक बताता फॉर्मूला दिया हुआ आई बाई आई जी माइनस वन, यानी कि आर सी बाई एट माइनस वन, कुछ नहीं है, फॉर्मूला याद रखने से अच्छा है कि वो स्टेप याद रखें, हम लोग स्टेप को याद रखें, ठीक, तो ये संट का वैल्यू कहेगा कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाने के लिए कितना संट जोड़ना पड़ेगा, क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाने के लिए क्या संट जोड़ना पड़ेगा, यही जोड़ना पड़ेगा, ठीक, तो इसमें आई क्या हुआ मेन करेंट, आई क्या हुआ मेन करेंट, आई हो गया मेन करेंट, जिसका मेजरमेंट करना है, जिसका मेजरमेंट करना है, आई क्या हो गया मेन करंट जिसका मेजरमेंट करना है, और आई जी हो गया करंट इन गैल्वेनोमीटर, मीटर आरसी होगा रेसिस्टेंस ऑफ कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेसिस्टेंस ऑफ कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर, सब समझ गया, यू आर संट, क्लियर, देखो ध्यान दो, यह अपना सर्किट है, यह आपका एमीटर है, रियल में एमीटर का रेसिस्टेंस कितना हो गया आर इक्विवेलेंट, बोलो आर आरसी बाय क्या होता है आरसी प्लस आर, इन्हें पढ़े
रियल में आमीटर का रेसिस्टेंस इतना होता है, या यूं कहो कि अगर आमीटर 10 एम्पीयर करंट माप रहा है, इसका मतलब हुआ कि सर्किट में करंट थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा है, ठीक। लेकिन ज्यादा मान के तो पढ़ाई कर नहीं सकते हैं, ज्यादा मान के तो पढ़ाई कर सकते नहीं है, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे? मान लिया जाता है कि आमीटर आइडियल है। क्या है? आइडियल है। तो फॉर, हालांकि आइडियल होता नहीं है, मानते हैं फॉर आइडियल आमीटर, आर इक्विवेलेंट टेंस टू जीरो, यानी कि आई जो होगा, आई वो एक्यूरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई क्या हो जाएगा? एक्यूरेट। मोटा मोटी ठेठ में अगर आमीटर का रेसिस्टेंस दिया हुआ रहेगा तो लिखेंगे, और नहीं दिया हुआ तो जीरो मार के चलेंगे। समझ में आया? नहीं आया? अगर आमीटर का रेसिस्टेंस दिया हुआ है तो लिखेंगे, नहीं दिया हुआ तो नहीं लिखेंगे। तो आमीटर को सर्किट के सीरीज के पैरेलल, सीरीज में आमीटर बनाने के लिए शंट को पहले के सीरीज, तो पैरेलल शंट का वैल्यू कितना हो गया? इतना हो गया। और शंट क्यों जोड़ते हैं पैरेलल में? तो एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए, या इक्विवेलेंट कम करने के लिए, या कहो एक आंसर और डालो, एक आंसर और डालो, लिख लो, लिख लिया, क्यों जोड़ते उसका एक और आंसर, समझ में आ जाएगा। तो इसी से काम चल जाएगा, इसी से। जैसे मान लो कि यह अपना क्या था, आरसी था, यह अपना सन, यह बहुत कम होता है, यह बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। तो सोचो यह ए बी है, तो बी ए माइनस बी बी क्या है? आई जी आर सी। यह कितना है? आई माइनस आई जी। देन तो जब वोल्टेज बराबर है, वोल्टेज बराबर है, वोल्टेज बराबर है, तो यह इतना ना कम है कि सारा का सारा करंट इससे चल जाता है। फिर से, यह इतना ना कम है कि मैक्सिमम करंट इधर से निकल गया, अब बहुत कम करंट आ गया। फिर से, जैसे मान लो कि 10 एम्पीयर करंट है, तो मान लो कि 9.9 एम्पीयर इधर से, और उधर से बच जाएगा 0.1 एम्पीयर। तो इसमें करंट हमेशा कम जाता है ताकि मेरा गैल्वेनोमीटर सुरक्षित रहे, ठीक। तो कह सकते हैं कि टू सेव, हालांकि पर्सनल लॉजिक है, टू सेव द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर को सेव करने के लिए रेसिस्टेंस यानी कि शंट इज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस इट। समझ में आ गया? तो इस तरह का याद होगा, क्वेश्चन को देखिएगा आमीटर से, आमीटर पर ध्यान देना है। अगर रेसिस्टेंस दिया हुआ है तो लेना है, नहीं दिया तो नहीं लेना है। मान चलना है कि आमीटर क्या है? आइडियल है, ठीक। अब हम पढ़ेंगे वोल्टमीटर। क्या पढ़ेंगे? वोल्टमीटर। वोल्टमीटर थोड़ा हल्का है, तो वोल्टमीटर के साथ मीटर भी जोड़ देंगे, एक लेक्चर खत्म हो जाएगा।